चलो आज सीखते हैं कुछ नया। क्या सीखने वाले हैं आज यहाँ पर अपन? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है, क्लास 12th का समाकलन चैप्टर से है, एक्सरसाइज 7.2 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए आप ध्यान से। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा क्वेश्चन इधर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद इसका हल करते हैं अपन। e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर, तो आपको क्वेश्चन अवश्य समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए परमानेंटली यहाँ पर आपको एक सूत्र याद रखना है, 1/(x) dx का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, log x। ये आपको सूत्र याद हो चुका होगा, log x प्लस c, प्लस c कांस्टेंट है इसलिए वहां पर एक रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है इसमें, यहाँ पर मानना पड़ेगा सबसे पहले जो नीचे का है इसको मैंने माना क्या, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x बराबर t मान लिया मैंने सबसे पहले, तो इसको मान लिया है। अब इसको माना t, माना कि ये इसके बराबर टी है, तो इसको टी मान लिया। इसका अवकलन करेंगे अब क्या, डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2e की पावर 2x होगा, ये आपको पता है। इसके बाद माइनस का हो जाएगा 2e की पावर माइनस 2x, ये इतना हो गया। यहां से दो कॉमन ले लेते हैं, तो दो कॉमन ले लेंगे जो 2 है वो कॉमन आ जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 * में ये और dx, और टी का करेंगे तो dt, ये हो गया अपना अवकलन। अब जो ये 2 है ये अपॉन में चला जाएगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x का माइनस का dx और dt अपॉन 2, तो ये जो 2 था वो अपॉन में चला गया, तो आपको समझ में आ चुका होगा इतना तो। अब ये देखिए और ये ऊपर का देखिए, ये सेम सेम हो रहा है बिल्कुल, तो यहां पर अपन dt में लिख सकते हैं इसको, टी के सापेक्ष अपन करेंगे समाकलन। अब तो यहां पर देखिए टी के सापेक्ष से समाकलन करने पर क्या होगा, यहां पर 1/(t) कैसे, इसको इसके बराबर तो dt आ गया अपना, और इसको क्या माना था नीचे वाले को मैंने, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को t, तो अब इसका अवकलन तो हो चुका है यहां पर ये। अब समाकलन करेंगे तो देखिए 1/(t) का समाकलन क्या होगा, log t, क्योंकि 1/(x) का समाकलन क्या हो रहा है, लोग एक्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा लोग टी। अब टी का मान रख देंगे, तो टी का मान क्या है यहां पर देखिए आप, ई की पावर 2x प्लस में ई की पावर माइनस 2x, यही आपका आंसर रहेगा। यहां पर देख सकते हो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 3 लाइन में क्वेश्चन हो रहा है आपका, और ये माना कि यहां पर, तो जो माना है अपन ने वो यहां पर इतना लिखना पड़ेगा आपको, सजा के अच्छे से लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। और भी जो इसमें क्वेश्चन में डाउट हो वो डाउट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो वीडियो को पूरा देखने के बाद।